मध्य प्रदेश के गुना जिले में भारी बारिश के कारण कई गांवों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं आयुक्त आशीष सक्सेना और आईजी डी श्रीनिवास वर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही लोगों का रेस्क्यू करवाकर लोगों की जान बचाई और अधिकारियों को उचित व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कम से कम 2-3 घंटे के बाद जब 1-2 फीट वाटर लेवल नीचे आ जाए तब वो लोग एक्सेस करके बताने की स्थिति में रहेंगे। एहतियात के तौर पर दोनों तरफ से हमने हेवी वाहन और व्हीकल्स को रोक के रखे हैं। उम्मीद करेंगे कि यदि बारिश नहीं होगी और वाटर लेवल 2-3 फुट कम होगा तो यातायात को सुचारू रूप से प्रारंभ करें। और 1000 लोगों को और भी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 6 टीमें इस समय 7 बोट के साथ में काम कर रही हैं और उनके खाने रहने की व्यवस्था की गई है। पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों की जान सुरक्षा हो जाए, कोई जीव की मृत्यु न हो सके, इसके लिए हम लोग सजग हैं और चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उनकी रक्षा करना पहला।